डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम हम रामघाट से कर रहे हैं, पुरुषों के द्वारा भी वो देखेंगे। कार्यक्रम में और हम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पर दिगंबरा अखाड़े से श्री महंत भक्ति चरण दास जी जुड़ चुके हैं। मैं महंत जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ गंगा घाट पर गोदावरी के महंत घाट से ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जो कुंभ मेला होगा उसकी व्यवस्था को लेके क्या तैयारियाँ आपने यहाँ अखाड़ों में की है? वैष्णव अखाड़े तीनों यहाँ रहेंगे और आप भी वैष्णव अखाड़े से ही हैं, तो किस तरीके की यहाँ व्यवस्था की गई है? प्रशासन आपको कैसे मदद कर रहा है? आप लोगों की खुद की क्या योजनाएं हैं? कहाँ से कितने संत महापुरुष आएंगे और कहाँ पर स्नान होंगे, हमारे दर्शकों को आप जानकारी देंगे? भगवान राम जी के पादस्पर्श नासिक पवित्र नगरी यानी गोदावरी तट पर यहाँ महाकुंभ, जो महाकुंभ है हमारे अनादिकाल 1717 में, जो यहाँ पर थोड़ी से विघ्नता आने के बाद पेशवाई सरकार हमारे जो 13 अखाड़ा को अलग अलग कर दिया था, जो शैव पंथ वाले 10 अखाड़ा को त्र्यंबकेश्वर में यानी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ा को नासिक रामकुंड में स्नान करने के दिया गया था। हमारे जो 3 अन्य अखाड़ा है, एक अखाड़ा है अखिल भारत से पंच दिगंबर अन्य अखाड़ा, निर्वाणी अन्य अखाड़ा, निर्मोही अन्य अखाड़ा यानी उसकी अंतर्गत 18 अखाड़ा है यानी 4 संप्रदाय है यानी 650 खालसा है जो यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय जो संप्रदाय है, तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ आने वाले हैं यानी यहाँ हमारे एक महीना की कुंभ मेला के रूप में कार्यक्रम यहाँ होगा, जिसकी शाही स्नान 29 अगस्त से चालू होगा यानी 19 अगस्त में अगस्त हमारा ध्वजारोहण होगा। इसी प्रकार तीनों शाही स्नान यहाँ संपन्न होगा। इसी कार्यक्रम में हमारे नासिक महानगर पालिका यानी प्रशासन की ओर से हम लोग को 300 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए, जिसमें पूर्ण रूप में कार्यक्रम, ये शौचालय व्यवस्था जो भी व्यवस्था वहाँ चल रहा है। आज हम लोग स्थानीय साधु संत के हिसाब से यानी हमारे अखाड़ा वैष्णव अखाड़ा के सभी संत महंत प्रशासन के साथ में मिलके जो कुंभ मेला की तैयारी संपूर्ण रूप में विधिवत तैयारी करने में लगे हैं यानी हमारे प्रशासन हम लोग को वो तैयारी करी संपूर्ण रूप में देगा। जो भी हमारे 650 खालसा है वो उनको हम लोग बुलाएंगे, वो हम उनको जमीन बांटेंगे। भारत कोने कोने संत महंत महामंडलेश्वर आने वाले हैं, अपने टेंड लगाएंगे, यहाँ कुंभ की तैयारी करेंगे यानी शाही स्नान। एक समय पे कितने संत महापुरुष यहाँ शाही स्नान के दिन में डुबकी लगाएंगे महाराज जी? हमारे तीनों अन्य अखाड़ा की जो 650 खालसा है, तो 650 खालसा में कम से कम हम लोग अंदाज रखें एक शाही स्नान में 3 लाख से 4 लाख तक संत यहाँ पर आ सकते हैं, जो वैष्णव अखाड़ा की। तो इनका खालसा क्यों नाम पड़ा महाराज जी? जो हमारे अखाड़ा है तो अखाड़ा की संख्या बढ़ाने के लिए उनको अखाड़ा के नाम नहीं रहते हुए एक खालसा नाम दिया गया है। जो खालसा इसलिए रखा गया है, भारत के कोने कोने में हमारे वैष्णव संप्रदाय के संत रहते हैं, तो ये कुंभ मेला माध्यम से हम लोग एक एक से जोड़ते हैं। तो जहाँ इलाहाबाद उज्जैन हरिद्वार नासी में कुंभ होता है तो उसमें जोड़ने की प्रक्रिया होता है, तो वो आश्रमधारी को हम लोग एक खालसा के नाम से नामांकन करते हैं यानी अपने मंदिर के नाम पे, अपने गुरुओं के नाम पे, अपने गांव के नाम पे, तो ऐसे खालसा के नाम रखते हैं और उसी प्रकार से हम लोग उनको जमीन देने के लिए व्यवस्था के लिए, क्योंकि हर एक को अखाड़ा के नाम दिया जाए तो अखाड़ा की संख्या बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारे अखाड़ा वाले खालसा के नाम पे उनको पुकार के उनको महामंडलेश्वर और श्रीमंत की पदवी दे की यहाँ पर अखाड़ा में भारतीय कोने कोने सबको यहाँ बुलाते हैं और उसमें अपने उनको जमीन देते हैं और अपने खुद व्यवस्था यहाँ करते हैं। तो कितनी संख्या होगी महाराज जी वैष्णव अखाड़ों के जो संत है? जी, संख्या तो हमारे भारत के कोने कोने में वैष्णव संप्रदाय सबसे ज्यादा है, लेकिन कुंभ मेला में सभी लोग नहीं आ पाते, अपने अपने हर एक आश्रम की देखरेख करते। जो नासिक एक भौगोलिक स्थिति ऐसे है, बरसात में कुंभ मेला होता है यानी इसकी सिर्फ 8 महीना के बाद उज्जैन में कुंभ मेला होता है, तो नासिक सबसे छोटे से जगह है, तो उसी वजह से सभी महात्मा लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। फिर भी हम लोग अंदाज लगाए 3 लाख से 4 लाख तक लोग एक शाही स्नान पर्व में यहाँ आएंगे, जो हमारे प्रशासन यहाँ सुनियोजित रूप में हमको जमीन दे के कार्यक्रम करने के लिए तैयारी की। तो यहाँ पर किस कहाँ से किस डायरेक्शन में संत आएंगे शाही स्नान में और कहाँ से उनका निकास होगा और आएंगे किस तरीके से? जो वैष्णव संप्रदाय है हमारे वैष्णव तपोवन में कपिला गोदावरी संगम के किनारे में
हम लोग को जमीन उपलब्ध कराया। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है जहाँ से हमारा शोभा यात्रा शाही स्नान आएगा। तो हमारे पिछले कुंभ मेला में जो एक शाही मार्ग में पिछले कुंभ मेला में थोड़ा सा हादसा हो गया, उसको ध्यान रखते हुए हमारे सभी वैष्णव संप्रदाय आखाड़ा की श्री महंत आणि आखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एक आणि प्रशासन ने स्थानीय नागरिक को लेकर एक निर्णय किए, थोड़ी से शाही मार्ग की बदला गया। जो पर्याप्त मार्ग है, चौरास मार्ग है, उसी मार्ग में हमारे तीनों अन्य आखाड़ा की निशान सहित एक साथ में नहीं, अलग सबको समय अलग अलग दिया जाता है। तो अपना अपना समय पर साधुग्राम से निकलेंगे आणि राम कुंड पर यहाँ आएंगे, अपने निशान जो हनुमान जी है, हनुमान जी को शाही स्नान यहाँ कराएंगे। शाही स्नान के शब्द उर्दू शब्द है आणि शाही स्नान हनुमान जी की होता है, तो हनुमान जी की पूजन होता है यहाँ। उसके बाद उसकी प्रसाद के रूप में हम हमारे जो महंत लोग स्नान करते हैं, उसके बाद हमारे के प्रसाद रूप में जो भक्त लोग यहाँ आते हैं वो स्नान करते हैं। आणि ये हमारे तपोवन से होते हुए आगरा रोड क्रॉस करेगा, पंचमुखी हनुमान आणि गणेश बाड़ी होगी, पुल के नीचे से सरदार चौक होगी, रामकुंड आएगा, तो यहाँ स्नान करके फिर ये दूसरे रास्ता से फिर महाराष्ट्र यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे, देश भर से, बाहर के देशों से भी श्रद्धालु आते हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियाँ यहाँ हुई है? हम लोग प्रशासन को समय समय पर सूचना हम लोग दिए हैं जे 1 करोड़ तक यहाँ पब्लिक जन आने वाले, भक्त लोग आने वाले हैं, उनको जो आने के लिए ट्रेन मार्ग है, बस की मार्ग है, प्लेन की मार्ग है, वो गाड़ी की मार्ग जो व्यवस्था अपना अपने प्राइवेट गाड़ी में आएंगे, उनके लिए रहने का जो व्यवस्था है, जहाँ से हम लोग उतरेंगे तो वहाँ भी पर्याप्त रूप में प्रशासन तैयारी किया है, जे उनको वहाँ से ठहराएंगे, उनको वहाँ कुछ भोजन की व्यवस्था करा जाए और वहाँ से गाड़ी से उनको साधुग्राम में लाया जाए गोदावरी के तट पर, ऐसे प्रशासन तैयारी किया है। और आने जाने वाले के जो नासिक के पूरा चार तरफ से रोड को सजाया गया है और नासिक नगरी यानी नासिक शहर को और रामकुंड को तपोवन को दुल्हन जैसे हम लोग सजाने के लिए प्रशासन ये किए, जे कि ये नासिक की नगरी की पुण्य नगरी है, नासिक नगर की जो महत्व है ये बाहर तक जाए और आने वाले जो श्रद्धालु उनको व्यवस्थित से कोई तकलीफ नहीं हो, कोई उनको आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो और यहाँ आए कि व्यवस्थित स्नान आणि दर्शन साधु संत करके जाए। और प्रशासन जो तैयारी किया है और साधु संत के माध्यम से जो हमारे एक संदेश है जी भाई, कुंभ मेला में साधु संत के दर्शन हम लोग सामाजिक शिक्षण के ज्ञान प्राप्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से क्या नहीं हो रहा है जो आप लोगों को शिकायत है कि अभी तक नहीं हो पा रहा है? नहीं, जो अभी प्रशासन तैयारी किया है, जो कमी था है, हम लोग प्रशासन से अभी जानकारी दिए है, तो हम लोग वो तैयारी करके देने के लिए आश्वासना दिए है। और जून में क्या क्या था महाराज जी? जिसमें था शौचालय बनाया गया था, जिसमें हर एक खालसा में किसी भक्तों की लेडीज भी आ सकते हैं, उसमें लेडीज के लिए शौचालय अलग से नहीं था, तो उसकी भी वो तैयारी देने के लिए। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए क्या कर रहे हैं? ये जो 300 एकड़ में 10 सेक्टर बना गया है, हर एक सेक्टर में एक कार्यालय है और हर एक सेक्टर में आरोग्य सेवा, पानी की सुविधा आणि पोलीस की सुविधा आणि अग्निशमन की सुविधा, ऐसे व्यवस्था कर रहे हैं। आणि कई सुविधा जो लोग आने के लिए वैद्यकीय सुविधा, कई दवाखाना खोला गया है उसके लिए आणि कई प्राइवेट दवाखाना उसमें हम प्रशासन लिया है, उसमें कोई भी तकलीफ हो चाहे किसी को, क्योंकि बरसात ही कुंभ में तैयारी। कुंभ मेले में महाराज जी आपने भी देखा होगा, हमने भी इतनी बार देखा है, रेट सर हर चीज़ के बढ़ जाते हैं जी। होटलों के रेट एकदम में बढ़ जाएंगे, जो खाने पीने के जो सामान रहेंगे उसके रेट बढ़ेंगे जी, पानी की बोतलों के रेट बढ़ जाते हैं, तो क्या आपने ये प्रशासन के साथ में इस मुद्दे के बारे में बात की जी, कि यार होटलों का रेट जो है ना कम रखना चाहिए, खाने पीने के जो चीज़ें हैं उनको हमें नियंत्रण में रखना चाहिए? हाँ साहब, आप बहुत बड़े अच्छी सवाल किए हैं। हम लोग प्रशासन ने निवेदन किए है, जो साधु संत आने जो भक्त लोग आते हैं, सो धान्य व्यवस्था है जो प्रशासन की ओर से, जैसे शक्कर है, तेल है, लकड़ी है, गैस है, आटा है, वो एक निम्न स्तर में दिया जाए जो उसको सुलभ सहित सब लोग ले जाए। और जैसे होटल की ये की बात है, तो ये हम लोग तो प्रशासन को बोले हैं, लेकिन साहब ये 12 साल कुंभ मेला आता है, सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग उसमें हम लोग कुछ फायदा होए तो हमारा कुछ सुविधा होए, लेकिन इसका प्रशासन ध्यान रखा है, लिमिटेशन रखा है। हजार गुना ज़्यादा फायदा होना तो अच्छी बात नहीं है ना? नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये तो आस्थाओं के साथ में इसके, देखिए यहाँ के लोकल जो बाशिंदे हैं, अगर इस महाकुंभ का वो फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे, तो जो श्रद्धालु बाहर देश से आए
आएंगे, देश के बाहर से आएंगे, उनको ये लगेगा कि हमें लूटा जा रहा है, तो उनकी जो आस्था है धर्म के प्रति वो कम होती जाएगी महाराज जी। नहीं, उसके लिए हमारे साधु संत आणि कई धार्मिक संगठन है जगह जगह पर अन्न छत्र चालू कर रहे हैं। हाँ, जो कि सुलभ में उनको फ्री में अन्न छत्र जो फ्री में मिलेगा, बहुत सामाजिक संगठन है साधु संत अपने तरफ से अन्न छत्र चालू है। खाने पीने का अगर फ्री में मिलेगा, जैसे बिस्किट है, पानी है, वो अगर अखाड़ों की तरफ से भी अगर आप कुछ ऐसे स्टॉल लगा दे जहाँ पर मूल्य पर ही उनको मिले, कोई प्रॉफिट ना कमाए जाए, अगर 15 रुपए की मिनरल वाटर है आप भी 15 में दे दीजिए, बिस्किट अगर 10 रुपए का तो आप भी दीजिए 10 रुपए में, तो ये एक समाज के लिए अच्छी सेवा होगी। हमारे जो श्रद्धालु है उनको भी ये होगा कि यार धर्म भी है और हमें धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए महाराज जी। के लिए हमारे धार्मिक संगठन है आणि साधु संत है, तो उसमें उसके लिए तो कई फ्री के प्रावधान भी रखे हैं। आणि जो धार्मिक संगठन है आणि यहाँ के औद्योगिक लोग है वो भी ये कर रहे हैं, जो जैसे आप पानी के 10 रुपए 15 रुपए मिनरल वाटर 10 रुपए बिस्किट है उसके एक निम्न ऐसे फ्री में देते, लोग लेके फेंक देते हैं, तो उसकी एक कुछ प्राइस ऐसी नियुक्त करा गया है, जैसे 15 रुपए मिनरल वाटर उसको 8 रुपए में दिया जाए। हाँ, तो वो खरीदी करके पी सकता है। 15 का 15 ही दे दीजिए। हाँ, लेकिन 15 का नहीं, 100 नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कोई भी गलत काम यहाँ करे उसमें प्रशासन पूरा सतर्क है। आम आदमी गरीब आदमी की आवाज तो महाराज जी किसी के पास तो पहुँच नहीं पाती है, उसको प्यास लगेगी उसको 100 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ेगी, उसका छोटा बच्चा साथ में होगा, महिलाएं होंगी, बुजुर्ग होंगे, तो उसको खरीदना ही पड़ेगा महाराज जी। इसका नियंत्रण बहुत सख्त रखना पड़ेगा। हम लोग निवेदन दिए हैं जो हमारे आए हुए श्रद्धालुओं को, तो ऐसे ठगा नहीं जाए, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करा जाए, चाहे रिक्शा वाले हो चाहे टैक्सी वाले हो, वो मनमाने के ऐसे चार्ज नहीं लगाए, और जैसे खाने पीने की चीज आने रहने का होटल की वजह ऐसे गलत तरीका से उनके ऊपर नहीं जाए, जो मिनिमम उनकी चार्ज जो खर्च है उतना लिया जाए, ऐसे हम लोग प्रशासन के और प्रशासन सभी जो जागरूक नागरिक से एक संवाद भी रखा गया है, तो संवाद के माध्यम से उनको जागरूकता दिया गया है, तो मैं समझता हूँ ऐसे काम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे धर्म के नाम होगा तो लोगों की श्रद्धा और भावना यहाँ से दूर हो जाएगा। यहाँ एक तो बिना निमंत्रण में इतने लोग यहाँ आते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, जब आने के बाद इनको धोखा दिया जाए। हाँ, ये धर्म के प्रति हम लोग बिल्कुल बहुत बड़ा है कि लोगों के प्रति से अश्रद्धा पैदा होगा। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो ये कुंभ मेला है या नासिक में कुंभ मेला होगा और हर जगह जो कुंभ मेला होता है, तो इसमें क्या है कि दाम 1000 गुना बढ़ जाते हैं। जो कमरा आज आपको 1000 रुपये में मिलेगा, कुंभ मेले में वही कमरा आपको 10,000 रुपये में दिया जाएगा। जो आज आपको पानी की बोतल 15 रुपये में दी जाएगी, कुंभ मेले में वही पानी की बोतल 100 रुपये 150 रुपये आपको मिलेगी। जो आज आपको बिस्किट का पैकेट अगर आपको 20 रुपये में मिलेगा, कुंभ मेले में वही बिस्किट का पैकेट 100 रुपये में मिल जाएगा। तो ये प्रशासन की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, संत समाज अखाड़ों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो व्यवस्था ही इस तरीके की बिठाए कि लोगों को, जो श्रद्धालु जो भारत के भिन्न राज्यों से आएंगे, और सबसे ज़्यादा हमारे जो मेहमान बाहर से आते हैं उसमें फॉरेनर्स बहुत संख्या में आते हैं, हमारे बाहर के देशों से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूरोप से आते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं, उनको किसी भी तरीके से ये नहीं लगना चाहिए कि वो भारत में आके उनको लूटा जा रहा है और उनको ये लगेगा कि भारत जो है वो लूटने के लिए बैठा है। तो ये हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। महाराज जी ने इस पॉइंट को उठाया, बड़ा अच्छा लगा हमारे को। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है अतिथि देवो भवा, तो हमें अतिथियों की भी बड़ी अच्छी तरह से रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका मान सम्मान रखना चाहिए। भारत के विभिन्न राज्यों से जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनको भी ये नहीं लगना चाहिए कि वो लुटे जा रहे हैं, उनको ये लगना चाहिए कि नहीं, हम कुंभ में आ रहे हैं, हमें कुंभ का फ़ायदा यहाँ पर प्रदान हो रहा है। इस कार्यक्रम को हमें यहाँ रोकना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम को रोकने से पहले मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज जी, और आगे भी हम ऐसे जुड़ते रहेंगे, कार्यक्रम करते रहेंगे। सबको भी मेरी तरफ से नमस्कार, बोलो गोदावरी मैया की जय।